Hello friends, welcome to Manoj Gupta Academy. Today we are going to start with class 9th algebra. Lesson number 7 statistics. Practice set 7.3 part 1. इस वीडियो को देखने के पहले बेसिक पार्ट जरूर देखिए. बेसिक पार्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से आप बेसिक पार्ट देख सकते हैं. सो दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए. यहाँ पे देखिए प्रैक्टिस सेट 7.3 दिया गया. फर्स्ट क्वेश्चन में फोर क्लास इंटरवल्स 20 to 25, राइट द लोअर क्लास लिमिट एंड द अपर क्लास लिमिट. मीन्स हमको लोअर क्लास लिमिट लिखना है और अपर क्लास लिमिट लिखना है. हमको क्लास इंटरवल क्या दिया गया है, 20 to 25. ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो 20 to 25 और यहाँ पे लिखो द लोअर क्लास लिमिट. लोअर क्लास लिमिट इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 20. जो ये वाला रहेगा वो लोअर क्लास लिमिट हो जाएगा और ये जो 25 है वो अपर क्लास लिमिट हो जाएगा. तो यहाँ पे लिखो द अपर क्लास लिमिट इक्वल टू 25. अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन करते हैं. क्या दिया है सेकेंड क्वेश्चन में, फाइंड द क्लास मार्क ऑफ द क्लास. मीन्स हमको ये क्लास दिया गया है 35 to 40 दिया गया है, हमको क्लास मार्क निकालना है. तो यहाँ पे क्लास मार्क का फॉर्मूला क्या है, क्लास मार्क लोअर क्लास लिमिट प्लस अपर क्लास लिमिट अपॉन 2. तो यहाँ पे लोअर क्लास लिमिट कितना है, 35 प्लस 40 अपॉन 2 जाएगा. ये 35 प्लस 40 कितना हो जाएगा, 75 अपॉन 2. तो ये हमारा क्लास मार्क हो जाएगा 37.5. अब यहाँ पे आंसर लिख लो. आंसर में क्या लिखोगे, द क्लास मार्क ऑफ द क्लास 35 to 40 इज 37.5. अब हम थर्ड क्वेश्चन करते हैं. थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया गया है, इफ क्लास मार्क इज 10 एंड क्लास विड्थ इज 6 देन द फाइंड क्लास. मीन्स हमको क्लास मार्क दिया गया है, यहाँ पे लिख लो क्लास मार्क हमको दिया गया है. कितना दिया गया, 10 दिया गया है और क्लास विड्थ दिया गया है, ये दिया गया 6. यहाँ पे देखो हमको क्लास फाइंड करनी है. क्लास फाइंड करना रहता तो इसमें एक होता है लोअर क्लास होता है, लोअर क्लास लिमिट होता है, और सेकंड होता है अपर क्लास लिमिट होता है. ये तो हमको दिया ही नहीं गया, ये दोनों फाइंड करना पड़ेगा ना हमको. यहाँ पे लिखो लेट द लोअर क्लास लिमिट इक्वल टू एक्स वन एंड द अपर क्लास लिमिट इक्वल टू एक्स टू. ठीक है, अभी हमको क्लास मार्क दिया गया है तो यहाँ पे लिखो क्लास मार्क का फॉर्मूला क्या होता है. क्लास मार्क का फॉर्मूला होता है लोअर क्लास लिमिट प्लस अपर क्लास लिमिट अपॉन 2. तो यहाँ पे क्लास मार्क हमको दिया गया है 10 इक्वल टू लोअर क्लास लिमिट क्या है, एक्स वन प्लस एक्स टू अपर क्लास लिमिट अपॉन 2. अभी ये 2 से डिवाइड हो रहा है, इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 इंटू 2 इक्वल टू एक्स वन प्लस एक्स टू. तो ये हो जाएगा 10 टू 20 इक्वल टू एक्स वन प्लस एक्स टू.
तो ये हो जाएगा एक्स वन प्लस एक्स टू इक्वल टू 20। ये आया हमारा इक्वेशन वन। यहाँ पे क्लास विड्थ का फॉर्मूला क्या होता है, क्लास विड्थ इक्वल टू अपर क्लास लिमिट माइनस लोअर क्लास लिमिट होता है। तो क्लास विड्थ दिया गया हमको 6, अपर क्लास कितना है एक्स टू माइनस एक्स वन, तो हमारा इक्वेशन क्या बनेगा माइनस एक्स वन प्लस एक्स टू इक्वल टू 6, यही बनेगा। ये मैंने माइनस को आगे लिख लिया, बस ये हमारा हो गया इक्वेशन टू। अब ये इक्वेशन वन एंड टू को सॉल्व कर लो तो ये हो जाएगा एक्स वन प्लस एक्स टू इक्वल टू 20, ये हो गया इक्वेशन वन। और ये यहाँ पे हो जाएगा माइनस एक्स वन प्लस एक्स टू इक्वल टू 6, ये हो गया इक्वेशन नंबर टू। अब यहाँ पे इसको ऐड कर लो, ऐड करने पे क्या होगा ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2x2 इक्वल टू 26, ये हो जाएगा x2 इक्वल टू 26 अपॉन 2, ये कैंसिल हुआ 13, ये हमारा आ गया x2 इक्वल टू 13। पुट x2 इक्वल टू 13 इन इक्वेशन वन, इन इक्वेशन वन। तो इक्वेशन वन क्या है एक्स वन प्लस एक्स टू इक्वल टू 20, तो ये हो जाएगा एक्स वन, एक्स टू की वैल्यू 13 आया है वो पुट कर दो, ये देखो यहाँ पे है, और ये हो जाएगा 20, सो दैट एक्स वन की वैल्यू हो जाएगी 20 माइनस 13, सो दैट एक्स वन की वैल्यू हो जाएगी 7। अब देखो यहाँ पे एक्स वन 7 है और एक्स टू 13 है, मीन्स ये हमारा लोअर क्लास लिमिट हो गया 7 और अपर क्लास लिमिट हो गया 13। अब हम यहाँ पे आंसर लिख लेते हैं, द रिक्वायर्ड क्लास इज, लोअर लिमिट क्या है 7 to 13, मीन्स हमारा ये क्लास आ गया। ये क्वेश्चन देखो, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, हमको ये पूरा का पूरा टेबल फिल करना। तो 12 टू 13 दिया गया क्लास में, कितने टैली मार्क्स है 1 2 3 4 5, ये हमने पुट कर दिया इसको 5, यहाँ पे 5 5 10 10 प्लस 4, ये हो जाएगा 14, देन ये कितना है 4 दिया गया है। अब हमको ये वाली वैल्यू और यहाँ क्या पुट करना है ये नहीं दिया गया, तो यहाँ पे लिखो लेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास 14 15 का हम लोग क्या सपोज करते हैं, यक सपोज करते हैं, मतलब ये 14 15 का ये जो फ्रीक्वेंसी है वो हमने यक सपोज किया, सो दैट हमारा क्या बन जाएगा 5 प्लस 14 प्लस x प्लस 4। देखो ये 5 14 x और 4 इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ कितना दिया गया है, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी कितना दिया है 35। तो अब यहाँ पे 5 14 कितना हो गया 19 19 प्लस 4 19 प्लस 4 23 प्लस x इक्वल टू 35, सो दैट x इक्वल टू हो जाएगा 35 माइनस 23, सो दैट x की वैल्यू हो जाएगी हमारी 12, मीन्स हमारा ये फ्रीक्वेंसी कितना आ गया 12 आ गया। जब ये 12 आ गया तो यहाँ पे इसका 12 बना लो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2, इसी तरीके से इसको करना था। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या दिया गया है, इन अ ट्री प्लांटेशन प्रोजेक्ट ऑफ द सर्टेन स्कूल देयर आर 45 स्टूडेंट्स ऑफ हरित सेना, हरित सेना के 45 स्टूडेंट्स ने ट्री प्लांटेशन किया है, द रिकॉर्ड ऑफ ट्री प्लांटेड बाय ईच स्टूडेंट इज गिवन बिलो। यहाँ पे कुछ जैसे एक स्टूडेंट ने कितना प्लांट किया है 3 किया है, फिर सेकंड स्टूडेंट ने 5 किया है, थर्ड स्टूडेंट ने 7 किया है, फोर्थ स्टूडेंट ने
सिक्स किया। इस तरीके से हर एक स्टूडेंट ने कितने कितने प्लांट लगाए हैं यहाँ पे दिया है। प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, और हमको क्या करना है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल क्रिएट करना है। तो सबसे पहले इसको हम लोग टेबल बना लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा क्लास, यहाँ पे लिख लो टैली मार्क, और यहाँ पे लिखो फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सबसे छोटा क्या दिख रहा है, सबसे कम कौन सा है, थ्री है, और सबसे बड़ा कौन सा है, सेवन। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, क्लास में लिखो थ्री फोर फाइव सिक्स एंड सेवन। अब इसका टैली मार्क करना है। टैली मार्क कैसे करोगे, देखो यहाँ पे क्या है, एक वो एक एक करोगे तो गलत नहीं होगा। ये थ्री, यहाँ पे थ्री, फाइव फाइव, सेवन सेवन, सिक्स सिक्स, फोर फोर, थ्री थ्री, फाइव फाइव, फोर फोर। मीन्स एक कट करते जाओ और इसकी एंट्री यहाँ पे करते जाओ, तो तुम्हारा कभी भी रॉन्ग नहीं होगा। तो यहाँ पे फोर सेवन फाइव, फोर सेवन फाइव, थ्री सिक्स सिक्स, थ्री सिक्स सिक्स, फाइव थ्री फोर। देखो यहाँ पे फाइव में अब इसका पेयर बन गया, फाइव यहाँ पे थ्री और यहाँ पे फोर। मीन्स फोर होने के बाद में फिफ्थ नंबर इस तरीके से रहेगा, क्रॉस रहेगा, फाइव सेवन थ्री, ये हो जाएगा फाइव, ये हो जाएगा सेवन, और ये हो जाएगा थ्री। फिर फाइव सिक्स फोर, फाइव सिक्स और फोर का ये फाइव नंबर हो जाएगा, फोर थ्री, फोर एंड थ्री, फाइव सिक्स सिक्स, फाइव सिक्स सिक्स, फोर थ्री फाइव, फोर थ्री फाइव, सेवन थ्री फोर, सेवन थ्री फोर, फाइव सेवन सिक्स, फाइव सेवन सिक्स, फोर थ्री फाइव, फोर थ्री फाइव, फोर फोर सेवन, फोर फोर सेवन। देखो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब हम लोग इसको चेक कैसे करते हैं, देखो ये कितना हो गया, फाइव फाइव, टेन हो गया ये, यहाँ पे लिखो टेन। इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, फाइव फाइव टेन, टेन एंड वन इलेवन, फाइव फाइव टेन एंड वन इलेवन, फाइव एंड टू सेवन, फाइव एंड वन सिक्स। यहाँ पे लिखो टोटल नंबर, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी इक्वल टू, इसको टोटल करो, वन वन टू, टू सेवन नाइन, नाइन एंड सिक्स फिफ्टीन, वन कैरी फोर्टी फाइव। तो यहाँ पे हमारा टोटल इसका कितना आ गया, फोर्टी फाइव आया। तो इसको भी एक वन टाइम काउंट कर लो, ये फोर्टी फाइव दिया गया, देखो यहाँ पे क्या दिया गया, फोर्टी फाइव स्टूडेंट्स। अगर ये फोर्टी फाइव तुम्हारा आता तो इसका मीन्स तुम्हारा आंसर राइट है। अब हम लोग सिक्स्थ क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे क्या दिया, द वैल्यू ऑफ पाई अप टू 50 डेसिमल प्लेसेस इज अ गिवन बिलो। मीन्स ये पाई का जो ये डेसिमल के बाद का यहाँ से लेकर के यहाँ तक 50 नंबर्स दिया गया है। फ्रॉम द इंफॉर्मेशन प्रिपेयर द अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो अब हम लोग यहाँ पे टेबल बना लेते हैं पहले। तो यहाँ पे लिखोगे डिजिट, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा टैली मार्क, और यह जाएगा फ्रीक्वेंसी। अब डिजिट में क्या है, हमको यहां से देखना है ना, डेसिमल पॉइंट का ही देखना है। यहाँ पे सबसे कम क्या है, जीरो और नाइन, नाइन हाइयर है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे जीरो वन
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9। अब इसको भी वैसे कैंसिल करते हुए लिखते चलो, ये क्या है 1, 1 यहां पे आ गया। 4, 1, 5 मीन्स 4, 1, 5। 9, 2, 6 9, 2, 6 5, 3, 5 5, 3, 5 8, 9, 7 8, 9, 7 9, 3, 2 9, 3, 2 3, 8, 4, 6 3, 8, 4, 6 2, 6, 4 2, 6, 4 3, 3, 8 3 ये 5 वाला बन गया 3, 3, 8 3, 2, 7 3, 2 and 7 9, 5, 0 9, 5, 0 2, 8, 8 2, 8 and 8 4, 1, 9 4, 1 and 9 7, 1, 6, 9 7, 1, 6, 9 3, 9, 9 3, 9, 9 3, 7, 5 3, 7 and 5 1, 0 1, 0 इस तरीके से अगर हम करते हैं तो हमारा रॉन्ग होने के चांसेस बहुत कम है, या बोल सकते हैं रॉन्ग कभी नहीं होगा। तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 5, ये भी होगा 5, 5 and 3 8, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5 और ये हो जाएगा 5 plus 3 8। यहाँ पे टोटल नंबर कितना आएगा, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी कितना होगा, अब इसको काउंट कर लो 8, 5, 13, 13 plus 4, 17, 17 plus 4, 21, 21 plus 5, 26, 26 plus 4, 30, 30 plus 8, 38, 38 plus 5, 43, 43 plus 5, 48, 48 plus 2 मीन्स ये हमारा आ गया 50। यही तो दिया गया था 50 डेसिमल प्लेसेस। यहाँ पे देखो ये सम ऑफ फ्रीक्वेंसी 50 आ गया, मीन्स ये हमारा राइट है। सो दोस्तों, इसके आगे का पार्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।